अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन शवारमा की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। चिकन शवारमा बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन, टिक्का मसाला, नमक, काली मिर्च बारीक कुटी हुई, सिरका, चिली सास, सोया सास, पिटा ब्रेड, मायोनीज, कैचअप, खीरे और सलाद के पत्ते। चलते हैं इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले एक पैन लेंगे, चूल्हा ऑन करेंगे और इसमें हल्का सा ऑयल डाल देंगे। फिर इसमें चिकन डाले गए, सात टिक्का मसाला, नमक, काली मिर्च, सिरका, चिली सास, सोया सास, ये सब चीज़ें डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में हमारा चिकन रेडी हो जाएगा, क्योंकि चिकन गलने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। ढक देंगे, वेट करेंगे इसके गलने का। चिकन पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, चेक करेंगे। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। इसको चूल्हे से हटा देंगे, तवा रखेंगे, इस पे पीटा ब्रेड को सेंक लेंगे। पीटा ब्रेड सीख चुकी है, अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए मायोनीज में हम थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल एक पिंच के जितनी चीनी और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। ये इसका जायका और ज़्यादा बढ़ा देता है। मिक्स करेंगे, शुरू करते हैं इसको बनाना। एक पीटा ब्रेड लेंगे, सबसे पहले केचप लगाएंगे, अब चिकन रखेंगे, अब खीरे ऐड करेंगे। खीरों को हमने इस तरह लंबाई में काट लिया था। मायोनीज डाल देंगे, सलाद का पत्ता रखेंगे, और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह बारी बारी सारे बना लेंगे। चिकन शवारमा रेडी हो चुका है। आप भी इसको अपने घर में बनाएं और इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शुक्रिया।